शनि चंद्रमा के साथ है, तो इनका ब्रेन का कोई इशू है, कंसिडरिंग कि ब्रेन में और पीछे केतु है, तो इनका ब्रेन ग्रस्त हो गया है। तो जहां तक उपाय का इनको सवाल है, अगर ये मंगल और केतु के उपाय करें जी तो उससे फायदा होगा। स्पेशली केतु का उपाय करें, ये कुत्तों को संडे के दिन फीडिंग करा फीडिंग करें, जी। भैरव मंदिर जाएं और सफेद चीजों का इस्तेमाल करें, और हनुमान जी को जाकर हर मंगलवार दिया जला दें, इनके पिता कर इनके सकते हैं, पिता क्योंकि का। बच्चा हाँ तो अभी एक हाँ महीने का बिल्कुल, है, पिता कर पिता सकते, या माता कर इससे सकते फायदा हैं हो सकता है। जी। और क्योंकि केतु पीछे है चंद्रमा के और शनि के, तो इनको मेडिकल में जाके अच्छी तरह इलाज कराएं। केतु निश्चय फायदा कराता है, मेडिसिन का कारक होता है, चंद्रमा के पीछे है तो ये मेडिसिन से ठीक भी हो सकते हैं। और अगर ये साल निकाल लें किसी तरह, जी ये साल निकल जाएगा तो बच्चे का सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक वर्ष तक थोड़ी एहतियात बरते जाने की जरूरत है, एक साल आप ध्यान के साथ निकालिए, बच्चे का ख्याल रखिए, केतु का उपाय कीजिए। और बताया गया है कि रविवार को आप कुत्तों को भोजन कराएं और भगवान भैरव के दर्शन जरूर करें, 9 बार, आपको कम से कम 9 बार भैरव कम के से मंदिर। कम 9 रविवार नियमित तौर पर करें, तो निश्चित तौर पर बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत इलाज छोटा बच्चा इलाज है, जरूर कराएं और कुत्ते इलाज को, भी कराएं, इससे फायदा जरूर डॉक्टर होता से उचित परामर्श लें, किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएं और वो जो बताते हैं उसको भी अमल में लाएं, उसको जो डायग्नोसिस है उसको फॉलो करें और उस हिसाब से दवाइयां लें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उस छोटे बच्चे के लिए हमारी तरफ से भी। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक बच्चा दुनिया में आता है, वो बोल नहीं पाता जीवन भर, एक बच्चा आता है वो कभी सुन नहीं पाता है, तो ये जो इस तरह के जो पूरे जीवन भर के जो कष्ट हैं किसी एक जातक को भोगने पड़ते हैं, या कोई चक्षुहीन होता है, आंखों की रोशनी नहीं होती पूरे जीवन में, किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है? देखिए, लेट मी इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो। आपके अंदर ना हर तरह के केमिकल्स हैं, जी। अमोनियम, फॉस्फोर, एंड एवरी प्लैनेट भी किसी केमिकल का एक जो एनर्जी का जी, जो मूल होता है रिप्रेजेंट जो करता है उसको। रिप्रेजेंट करता है। जी तो बीमारियां क्यों कम होती हैं? क्योंकि आपके अंदर किसी केमिकल की कमी होती है। बिल्कुल। आजकल एक केमिकल है अमोनिया, जिसको लोग एंटीबायोटिक जब लगवाते हैं तो उसका अभाव हो जाता है, उससे स्पीच इंपेयरमेंट हो जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स के कमी के कारण आपके A to Z बीमारियां होती हैं, जी। जो कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड होती हैं। तो ये इनका अगर तालमेल ठीक बैठ जाता जी है जी जी तो ये फायदा करते हैं, जहां तक रेमेडी का सवाल है। जी और अब ऐसा क्यों होता है, तो दिस अगेन अपने कुछ अपने कर्म होते हैं, जी और उन कर्मों को हमें भोगना है, या मतलब उनको किसी और से भगवाना है। जी जी जैसे कोई बच्चा होता है बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड पैदा हो जाता है, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मगर उसके माँ बाप उसकी 25-30 साल सेवा करते हैं, जी तो एक भोग है उसको, सेवा करने हैं उसके बच्चों की, वो जी 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 पिछले जन्म में उसने दुख दिया होगा। जी डॉक्टर शंकर जी से बात करने का अपना एक मजा है, और ज्योतिषी तो बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और हम उनसे इंटरव्यू भी करते हैं, लेकिन जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप बात को करते हैं, मुझे कई बार लगता है कि जो परंपरा पुराने समय में ऋषियों ने शुरू की, उसी में कहीं आप उसी नक्शे कदम पर आप आगे जा रहे हैं, और बहुत वैज्ञानिक बात आप करते हैं। बहुत अच्छी बात शंकर जी ने बताई कि हम यदि स्वास्थ्य हमारा खराब होता है तो शरीर में किन्हीं अवयवों की कमी की वजह से होता है, जब हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटती हैं तो कहीं ग्रहों में ऐसे दोष होते हैं, या कह सकते हैं मोटे तौर पर कि हमारे ग्रह बीमार होते हैं। हम जो भी रत्न धारण करते हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी उपासना पद्धति, जो भी ईश्वर का नाम लेते हैं, उससे उन ग्रहों की बीमारियों को दूर करने की दिशा में हमारे प्रयास होते हैं, और तब हमारी जिंदगी और अधिक बेहतर बनती है। हमारी चर्चा भी बनी रहेगी, बहुत कुछ जानेंगे डॉक्टर शंकर जी से, अभी हमारे साथ 10:30 बजे तक वो स्टूडियो में विद्यमान है, आप भी उनसे अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर आप जानते ही हैं, आप चाहें तो इस कार्यक्रम में SMS के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल, हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैदराबाद से, श्रीनिवास हैदराबाद से, श्रीनिवास हैदराबाद। हमारा भी जो डिवाइस है ना, वो चार्ज होती है गेस्ट के हिसाब से। अगर मतलब बोले क्या 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 करें, अगर उधर से थॉट नहीं आ रहा तो भी होता है। हाँ, वो जो है डॉक्टर साहब, किसी के साथ करना पड़ता है अब क्या करें, वो तो शो करना, शो मस्ट बी गो ऑन। हाँ जी सर, बोलो।
किसका? सुरेश ओबरॉय कहाँ था स्पिरिचुअलिज्म में आकर हुआ? वो उनका फ्रीक्वेंसी उनकी भी रेडियो कहीं और का स्टेशन पकड़ती है। अच्छा वो आजकल उन्होंने शेयर का कुछ किया था उसमें बहुत घाटे में, तो एंकरिंग करने को तैयार है जागरण में सुरेश ओबरॉय। हालत बहुत खराब, लास्ट 30 सेकंड बहुत हालत खराब। और विवेक ओबरा है किसी स्कैंडल में फंस गया, चेक बाउंस हो गया, वो मुकदमे चल रहे, पूरा सुना रहा था मुझे सारी कहानी। तो कह रहा जी बस लाख रुपए महीना का काम हो जाए किसी तरकीब से, तो मैं जो बैंकों की जो किस्तें और वो सब वो मेरी चली जाएंगी। इतना बहुत बुरी हालत। ये फिल्म होती 10 9 8 7 6 5 4। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप की जिंदगी में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है और आप समझते हैं कि उसका हल ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है, तो ये मंच आप ही के लिए है। आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे सीधा जवाब। प्रश्न करने के लिए या तो कीजिए हमें टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल, हमें अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाते समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीनिवास हैदराबाद से, उनको शामिल करते हैं हम चर्चा में। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान पहले बताइए। जन्म का समय है 4:55 AM। जन्म की तिथि क्या है? 12 जून 1964। 12 जून 1964। 1964 जी, 12th of June 1964। 4:45 AM नहीं, 4:55 4:55 सुबह के। सुबह कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई में जन्म हुआ है जी। श्रीनिवास जी हैं हैदराबाद से, 12 जून 1964 इनकी जन्म तिथि है, 4:55 तड़के प्रातःकाल इनका जन्म हुआ है चेन्नई में, मद्रास में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे श्रीनिवास जी? हाँ, मैं ये एक्चुअली जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ से मैं अब्रॉड जाना कब जा सकता हूँ और मेरा करियर ग्रोथ कैसी रहेगी? करियर की ग्रोथ कैसी रहेगी और विदेश में क्या संभावनाएं बन रही हैं इनकी प्रोन्नति की या किसी प्रकार के डेपुटेशन पर जाने की, इनके चार्ट में क्या इस तरह के कोई संकेत हैं? डॉक्टर साहब आपसे आपका परामर्श चाहते हैं, श्रीनिवास फ्रॉम हैदराबाद। बाहर जाना चाहते हैं और अपने अपने काम में, अपने नौकरी के नाते। देखिए, इस साल तो आप बहुत ध्यान रखें, आपका जो नौकरी में जो प्रॉब्लम्स हैं काफी हो सकती हैं, और मतलब इस साल तो आप बहुत ही अपना ध्यान रखिए, अगले साल आपका अच्छा है। जहां तक फॉरेन का है, हमको नहीं लगता कि आपका फॉरेन स्टे है। फॉरेन यू कैन गो फॉर अ ट्रैवल बट देयर इज नो फॉरेन स्टे, मेरे को नहीं लगता है। आप और कुछ पूछें, आप बताइए। श्रीनिवास जी और कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, मैं ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। ट्रैवल आप इस साल कर सकते हैं जून के बाद। ट्रैवल के लिए डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि इस वर्ष आप जून के बाद निश्चित तौर पर यात्रा कर सकते हैं। पक्का यात्रा होगी और करियर में ग्रोथ होगी। करियर में ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं होगी। करियर में जो ग्रोथ है, करियर में जो पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए पॉजिटिविटी की, वो नेक्स्ट ईयर बनती हैं और अगले साल से आपको आफ्टर अक्टूबर 2009 के बाद आपके करियर में ग्रोथ होगी, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। लेकिन जब यात्रा की बात आपने पूछी है तो